पंजाब की 117 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। अब सभी दलों को 10 मार्च को आने वाले नतीजों का इंतजार है। इस बार का पंजाब चुनाव काफी रोचक रहा है। एक ओर जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने पुराने सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल का साथ न रखकर चुनाव लड़ा है। किसानों के मुद्दे पर दोनों दलों का गठबंधन पंजाब चुनाव से पहले ही टूट चुका था, लेकिन अब भी शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच फिर से गठबंधन की संभावनाएं सामने आ रही हैं। इसके संकेत खुद दोनों दलों के नेताओं ने दिए हैं। शिरोमणि अकाली दल के नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि उसे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने में कोई परेशानी नहीं है। शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया की ओर से सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के संकेत दिए हैं। विक्रम मजीठिया ने मतदान के दिन कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा गठबंधन करने पर विचार किया जा सकता है। शिरोमणि अकाली दल ने 2020 में 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना 25 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया था, लेकिन अब 3 कृषि कानूनों का मुद्दा खत्म हो चुका है। शिरोमणि अकाली दल की ओर से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस बात पर समस्या थी वह खत्म हो चुकी है, तो अब दोबारा गठबंधन करने में कोई परेशानी नहीं है। शिरोमणि अकाली दल हालांकि नतीजे आने का इंतजार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गठबंधन के मुद्दे पर ज्यादा कुछ कहने से बच रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब यूनिट के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा, हमने सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ा है, नतीजे आने का इंतजार करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। शिरोमणि अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की संभावनाएं पंजाब चुनाव से पहले राज्य में चुनावी जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में भी लोगों ने देखी। उनका कहना है कि जब जनवरी में प्रकाश सिंह बादल कोरोना संक्रमित हुए थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें कॉल करके उनका हालचाल भी पूछा था। भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने विधानसभा चुनाव में गठबंधन के नए साझेदार बनाए थे। शिरोमणि अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब लोक कांग्रेस के साथ सहयोगी बना। पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान 10 मार्च को होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन के खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी बात हाई कमान तक पहुंचा दी है। शिरोमणि अकाली दल की पीठ पर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हाथ रखा है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल ने कभी भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में मजबूत नहीं होने दिया। भारतीय जनता पार्टी नेता इस बात से आहत हैं। प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक मंच पर प्रकाश सिंह बादल के पांव छूते थे, लेकिन बादल परिवार और अकाली दल के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तीखी बयानबाजी कर सारी मर्यादा को तार तार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।